तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गोरखपुरी भाभी जो हैं यहाँ पे कुछ यानी मतलब आज 20 तारीख है और यहाँ पे कुछ फंक्शन रखी हैं। अब हमको पता नहीं है क्या चीज़ का फंक्शन है, कोई भी नहीं, मतलब ये सब तो नहीं पता है, बट यहाँ पे फंक्शन है और बहुत यूनिक फंक्शन लग रहा है दोस्तों। पहली बार हम मतलब ऐसे मीटअप में आए हैं, ऐसा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही लोग आए हैं, छोटे बड़े यूट्यूबर सभी लोग आए हैं। और दोस्तों, अब बैक कैमरे से दिखाएंगे, आप लोग बने रहिएगा। आज का ये वीडियो समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही यूनिक लोग भी आए हैं, छोटे बड़े यूट्यूबर सभी से आप लोगों से मिलवाया जाएगा। आप लोग बने रहे, पूजा जी तो नहीं आई इसके लिए भाई, कान पकड़ के सॉरी, और पूजा जी का कंडीशन सही नहीं है तो हम नहीं ला सकते हैं। चलिए बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अब भाभी जी भी आ रही हैं, अब निकल गई हैं, एकदम आने वाली हैं, तो सभी लोग अब उनके तरफ लोग भग कर जा रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं, तो देखिए भाभी जी की फाइनली गाड़ी आ चुकी है, सभी लोग जा रहे हैं, किस तरह एकदम टूट पड़े हैं सभी लोग। इधर देख सकते हैं बहुत तगड़ा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना भीड़ लग चुका है देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी लग तो दोस्तों देख सकते हैं, ऐसा भीषण आंधी तूफान नहीं आप लोग देखे होंगे, ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे, इतना भयानक वीडियो यहां पर बन रहा है कि देखिए किस तरह लोग छेके हुए हैं। तो देखिए घर में एंट्री हो रही है, अभी भी अंदर जा रही है, ये देख रहे हैं क्या कुछ दिखाए। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार। देखिए दोस्तों यहाँ पे और सभी दूर से आए हुए श्रोतागढ़ क्षेत्रवासी देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस पावन पर्व पे आए हुए दूर से सभी अभिभावक गोरखपुर भोली नाम से जानी जाती है। इनके पूरे भारत में दीवाने हैं, इनके चाहने वाले लोग हैं, है कि नहीं है, है ना। आज देखिए ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, दिनेश कुमार निसार जी जो बॉम्बे में रहते हैं, उनका गांव यही पे है, चारपानी गांव है, उन्होंने ये मंदिर में रखा संभाली के लोगों को मोटिवेट कर चुकी कि आज सारे महिलाएं जो महिला डरती है वो आज कैमरे के सामने, इतनी सारी महिला कैमरे को लेके आज गोरखपुरिया भौजी के सामने खड़ी है, और एक बहुत बड़ी बात है। और हम क्या बताएं, गोरखपुरिया भौजी तो ऐसे में हमको इतना मोटिवेट किया है कि आज उन्हीं के बदौलत आज हमको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं चले गए थी शूटिंग पे, तो मैं महादेव भैया के पास फोन भी की तो कहे कि आप दूसरे बार आइएगा और वैली पार्क के पास मैं अपना प्रोग्राम रखूंगा। तो मुझे कल पता चला है वीडियो देख के, सबसे हंसे बोल रहो बतिया ले चटनी, सबसे हंसे बोल रहो बतिया ले चटनी, दिल सबके सभी तुम्हारा ले के पड़ी, दिल सब कोनो अश्लीलता कोनो गलत वर्ड फिर अश्लील वीडियो कहे बनत।
अश्लीलता को खत्म करना है। हम कभी अपेक्षा नहीं किए थे, कभी नहीं। हमारा मीटर में हम शॉर्ट वीडियो बना बना के डाल रहे थे तो उसमें कमेंट आया था, आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक भैया ने कमेंट किए तो बोला पूरिया भौजी तो मुख्यमंत्री कौन बन गया, तो हम कहानी कमेंट रिप्लाई देने कहानी भैया तो बात बड़ा अच्छा लगा है कैश द्वारा फिर पता हमने लग जा आप मुख्यमंत्री बन जाती तो पूरा दुनिया में चेंज कर देती। तो एक जवाब हम दिए थे और उसका हजारों जवाब सब्सक्राइबर दिए थे, मुझे बहुत आप लोग छोटे छोटे यूट्यूबर अगर हम जैसे बड़े यूट्यूबर नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा, है कोई ऐसा जो सपोर्ट करेगा? पहले भी हम बहुत मीटर रखते थे बी पार्क में, व्यवस्था नहीं सही हो पाता था, परेशान हो जाते थे। किसी भी प्रकार की आपके वजह से असुविधा ना हो।